हमारे वीडियो को आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस्तेमाल कर सकते हो और मोनेटाइज भी कर सकते हो, हमें कोई एतराज नहीं। साथियों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खैरो आफियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह समेत नेतन्याहू की यूनाइटेड नेशंस में भारी बेइज्जती के साथ कई बड़ी खबरें। तो बने रहे हमारे साथ आखिर तक। आप देख रहे हैं SD24, मैं युसरा परवीन। कल यानी 27 सितंबर को हसन नसरुल्लाह को मारने के बहाने इसराइल ने कई बड़े हमले किए जिसमें सैकड़ों आम लोग शहीद हो गए हैं। इन हमलों के बाद से शुरू हुई अहम और बड़ी जंग आज यानी 28 सितंबर से मिडिल ईस्ट में तबाही का कुछ और ही मंजर होगा। कल के हमलों के बाद सुलह का आखिरी रास्ता भी बंद हो चुका है। इसी के साथ इसराइल एक ऐसे चक्रव्यूह ट्रैप में फंस चुका है जहां से उसका निकल पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। माहौल ऐसा लग रहा है कि ये जंग अब पेड़ और पत्थरों के पुकार उठने पर ही खत्म होगी। मासूम बच्चों और बेगुनाहों का कातिल नेतन्याहू जब यूनाइटेड नेशंस में भसड़ करने के लिए खड़ा हुआ, उस वक्त नरसंहारी का विरोध करते हुए 126 मुल्कों के राजनयिक यूनाइटेड नेशंस हॉल से बाहर चले गए। नेतन्याहू ने खाली कुर्सियों के सामने अपमानित होकर भाषण दिया। नेतन्याहू पैदा हुआ जब से आज तक इतनी बेइज्जती कभी नहीं देखी होगी। इसराइल जितना जुल्म बेगुनाहों पर करेगा दुनिया में उतनी हमदर्दी खोता जाएगा। धीरे धीरे फिलिस्तीन को मान्यता देने वालों को तादाद बढ़ रही है। बताया जा रहा है कि नेतन्याहू अधूरी मीटिंग छोड़कर इसराइल चला गया और लेबनान पर हमले के आर्डर दे दिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑर्डर। ऑर्डर प्लीज। इसके बाद कल रात हुए हमलों में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह के शहीद होने की खबरें खूब फैलाई गई। एक आईडीएफ चीफ ने न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए बयान में कहा, अगर हकीकत में नसरुल्लाह हमले में मारे गए हैं तब भी यह खबर फैलाना जल्दबाजी होगी क्योंकि हम हफ्तों तक इस बात को कन्फर्म नहीं कर सकते। हसन नसरुल्लाह को जानने से पहले हम ज़ायनिस्ट की साजिशों को जानते हैं। स्क्रीन पर चल रहे इस वीडियो को देखिए। इसराइल कितना खतरनाक साजिश करता है आप इस वीडियो में देखिए। इसे देखने के बाद आपको भी लगेगा कि हकीकत में ये हमला किसी हथियार की फैक्ट्री पर किया गया है, लेकिन उसी वीडियो को दोबारा देखिए। देखा आपने, इस बम को डिजाइन ही ऐसा किया गया है। खाली जगह पर भी ये बम गिराया जाएगा तब भी हथियारों की फैक्ट्री पर हमले जैसा लगेगा। नेतन्याहू आम लोगों के मकानों पर इसी बम से हमला करता है और अपने शैतानों की फौज से कहता है कि वो मकान हथियारों से भरा पड़ा था और हमने हथियारों के डेपो पर बमबारी की है। ये कौम दुनिया की सबसे घटिया कौम है। बैक्टीरिया वायरस भी इस कौम को देखकर शर्मा जाते होंगे। साथियों, आज की तारीख में आपका एक रुपया 1000 के बराबर है। फजलुर रहमान, नज़ीर अहमद, शेख यूनुस, मोहम्मद गफ्फार, शेख वसीम अकरम, सैयद जमालुद्दीन, बहन सुफिया, सैयद हमीद मुहीउद्दीन साहब समेत उन सभी मान्यवरों का शुक्रिया जिन्होंने गजा इमरजेंसी रिलीफ के लिए छोटे बड़े अमाउंट भेजे हैं। SD24 न्यूज़ को मिला हुआ फिनेंशियल सपोर्ट और यूट्यूब के सभी सोर्सेज से जमा 15 सितंबर से 14 अक्टूबर तक की इमदाद UNRWA के जरिए फिलिस्तीन पहुंचाई जाएगी। इसराइल के लेबनान में बमबारी के बाद हिजबुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई जारी रखी। इसराइली रेडियो के मुताबिक हाइफा खाड़ी, वादी आरा और नॉर्दर्न वेस्ट बैंक की बस्तियों में लगातार सायरन बज रहे हैं और हिजबुल्लाह के रॉकेट्स आग लगा रहे हैं।
तेल अवीव के ईस्ट में और पश्चिमी तट की बस्तियों के नॉर्थ ईस्ट में, खास तौर पर बेत एल बस्ती में मिसाइल सायरन बज रहे हैं, विस्फोटों की खबरें सुनी जा रही हैं, लेबनान से मिसाइलें दागी जा रही हैं, लोग चीखते चिल्लाते हुए भाग रहे हैं। इजरायली सेना रेडियो के मुताबिक कल यानी 27 सितंबर को सदन उपनगर में ऑपरेशन के बाद पहली बार लेबनान से रॉकेट दागे गए, जिसमें पश्चिमी तट की बस्तियां तबाह हो चुकी हैं। लेबनान के लोग कह रहे हैं, सुनो नेतान्याहू, हसन नसरुल्लाह, अगर शहीद भी हो जाते हैं तो उनकी आवाज तुम्हारे रातों की नींद और दिन का चयन हराम कर देगी। इजराइल और अमेरिका को एक के बाद एक कराए झटकों का सामना करना पड़ रहा है। आज यमनी सशस्त्र बलों ने बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन मिसाइलों के साथ तीन अमेरिकी डिस्ट्रॉयर्स को लाल समुंदर में डुबो दिया। हसन नसरुल्लाह की शहादत के बारे में अभी कोई बात कंफर्म नहीं हो पा रही है। मिडिल ईस्ट की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हसन नसरुल्लाह शहीद हो चुके हैं और जल्द ही ईरानी गाइड खामेनेई की खबर भी मिलने के इम्कान बताए जा रहे हैं। आज ईरान की सेना ने अली खामेनेई को महफूज जगह शिफ्ट कर दिया है, लेकिन ये जंग शहादत के डर से रुकेगी ना, लीडरों के शहादत से रुकेगी। अगर ऐसा होता तो ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी या इस्माइल हानिये की शहादत के बाद रुक गई होती। ये जंग शहादतों के बाद ना रुकेगी और ना ही कमज़ोर होगी। ये जंग ही शहादतों की जंग है, ये हक और बातिल की जंग है। ये जंग बातिल के मिटने तक चलती रहेगी और हक ख़त्म हो जाता है तो कयामत इस दुनिया को ख़त्म कर देगी। जिस जंग में आखिरी सिपाही भी लड़ने का हौसला रखता हो तो फिर ये बात मायने नहीं रखती कि दुश्मन कितना ताकतवर है और मुजाहिद्दीन का कौन सा बड़ा नेता शहीद हुआ। रब्बे कायनात शहीद को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। तो ये थी आज की दर्द भरी अपडेट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्ला। आप देख रहे हैं सोशल डेमोक्रेटिक न्यूज़ SD24।